स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। एज ऑलवेज क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हैं। वेट कर रही हूँ, थोड़े से और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, हम स्टार्ट करें। ओके मैम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज का लेक्चर। टुडे इज आवर 12th लेक्चर। हमने बहुत ज्यादा एक्सरे और सीटी स्कैन और स्लाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपको मेरा ख्याल तो कि मिक्स हो रहा होगा सारा कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट तो हमने आज एमआरआई करना था, बट जो है वो मैंने सोचा कि हम पहले आयनाइजिंग रेडिएशंस वाली जितनी भी मोडेलिटीज है वो कम्प्लीट कर लें, ठीक है। तो आज हम मैमोग्राफी पढ़ेंगे, इसका एक ही लेक्चर है। बहुत ज्यादा हम इसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट आपको स्टेज पे आइडिया होना चाहिए कि कितनी टाइप्स की मेमोग्राफी होती है, या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो उसका होना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एमआरआई से स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, जब हमने जो है वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द रेडियोलॉजी, तो उसमें भी जो है वो हमने डिस्कस किया था कि जो मेमोग्राफी है उसमें हम एक्सरेज यूज कर रहे होते हैं, और स्पेसिफिकली हम इसको ब्रेस्ट टिश्यू की एग्जामिनेशन के लिए जो है वो यूज कर रहे होते हैं। सो There are several breast imaging modalities available such as ultrasound, CT and MRI. ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए MRI भी करते हैं और CT स्कैन भी यूज करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हमारे पास पेशेंट है जो कि 30 इयर्स का है, 35 इयर्स तक की है, ठीक है, या उससे छोटी एज की है, तो यूजली हम अल्ट्रासाउंड को जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज एक्सरेज यूज हो रही है और एक्सरेज आयनाइजिंग रेडिएशन है और वो आपको पता है कि बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो अगर छोटी एज का है, 30-35 तक का है, तो हम अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करते हैं। बट अगेन जरूरी नहीं है कि ये को लेबल लगे, अगर हम उसको नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो मेमोग्राफी करवा सकते हैं पेशेंट, ठीक है, या सीटी या एमआरआई की तरफ जा सकते हैं। मेमोग्राफी रिमेन्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ ब्रेस्ट इमेजिंग, ठीक है, जो एक अगर हम कहेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड है ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए। जैसे हमने देखा था कि हेड ट्रॉमा के लिए मैंने आपको बताया था कि हम सीटी ब्रेन कराते हैं, ठीक है, इसी तरह से ही स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे ब्रेस्ट की इमेजिंग के लिए जो हमारे पास एक बेसिक मोडेलिटी है रेडियोलॉजिकल, दैट इज मेमोग्राफी। ओनली मेमोग्राफी व्हेन करेक्टली परफॉर्मड एंड इंटरप्रेट्स ऑफर्स द नेसेसरी रिलायबिलिटी टू डायग्नोस द क्यूरेबल फॉर्म्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स, ठीक है। तो आपको बेशक बाकी सारे भी यहाँ पे डायग्नोज कर रहे होते हैं, बट डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं और वो रिसर्चेज ही कहते हैं कि आपको मेमोग्राफी जो है वो ज्यादा अच्छा जो है वो किसी भी ब्रेस्ट टिश्यू की पैथोलॉजी के बारे में, कोई भी कैंसर है, मैस है, या जो भी है उसके बारे में आपको एक अच्छे जो है वो इमेज प्रेफरेबली दे सकती है, ठीक है। बट अगेन अगर हमें मेमोग्राफी से चीज क्लियर नहीं हो रही, पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो हम डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए सीटी या एमआरआई की तरफ भी जा सकते हैं। तो हम उससे पहले क्या करते हैं, एक प्लेन रेडियोग्राफ लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हमने एब्डोमिन का सीटी पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि उससे पहले हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन जरूर करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ही बच्चों, आप अगर हमें कोई चीज नहीं भी डिटेक्ट हो रही, कोई पॉइंट नहीं डिटेक्ट हो रहा, तो सबसे पहले तो आपको पता है पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे हम जाते हैं, ठीक है, फिर हम बीइंग अ डॉक्टर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं हम उसको मजीद एक्यूरेसी के लिए हम किसकी तरफ जाते हैं, किसी भी रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी क्या करोगे कि डायरेक्ट हम सीटी या एमआरआई नहीं करते, बल्कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेमोग्राफी करवाएंगे, ठीक है। मेमोग्राफी से हमें डिटेक्ट होगा कि यहाँ पे कोई चेस्ट ब्रेस्ट के अंदर कोई मैस पड़ा हुआ है, कोई कैंसर टिश्यू है, या जो भी एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। फिर उसको फर्दर रूल आउट करने के लिए हम एमआरआई या सीटी से जो है वो हेल्प ले सकते हैं, ठीक है।
ओके व्हाट इज अ मेमोग्राफी इट इज अ स्पेशलाइज्ड मेडिकल इमेजिंग दैट यूजेस अ लो डोज एक्सरे सिस्टम टू सी इनसाइड द ब्रेस्ट ठीक है अगेन इसमें जो है हम एक्सरेज ही जो है वो यूज कर रहे हैं ठीक है अ मेमोग्राफी एग्जाम कॉल्ड अ मेमोग्राम एड्स इन द अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट डिजीजेस इन वुमेन ठीक है जो आपके पास जैसे हम जब एक्सरे करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक्सरे एक फिल्म आती है दैट इज रेडियोग्राम ठीक है या जैसे हमने एंजियोग्राम पढ़ा था एंजियोग्राफी में ठीक है इसी तरह से ही जो हमारे पास इमेज आता है मेमोग्राफी के बाद दैट इज बेसिकली नोन एज द मेमोग्राम ठीक है जी और ये हमें हेल्प कर रहा होता है कि फीमेल की जो ब्रेस्ट है उसमें किसी भी किस्म की कोई डिजीज है तो उसे हम अर्ली डिटेक्शन कर लें एंड एक्सरे रेडियोग्राफ इज अ नॉन इन्वेसिव मेडिकल टेस्ट दैट हेल्प्स फिजिशियन डायग्नोस एंड ट्रीट मेडिकल कंडीशंस अब मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि हम जो है वो जब हमारे पास मेमोग्राफी नहीं थी ठीक है तो हम क्या करते थे कि जो है हम एक्सरे से भी हेल्प लेते थे ठीक है ब्रेस्ट का एक्सरे करवा के उससे भी हेल्प लेते होते थे रेडियोग्राफ से भी हेल्प लेते थे ब्रेस्ट की किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए ठीक है तो इसलिए जो है वो उस वक्त हमारे पास जो है वो कन्वेंशनल सिंपल रेडियोग्राफी थी तो उससे हम हेल्प ले रहे होते थे ठीक है बट फिर हमारे पास मेमोग्राफी आ गई और फिर हमने मेमोग्राफी की हेल्प से ब्रेस्ट डिजीजेस को जो है फीमेल में डायग्नोज करना शुरू कर दिया नाउ देयर आर थ्री रीसेंट एडवांसेस इन मेमोग्राफी इंक्लूड डिजिटल मेमोग्राफी कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन ब्रेस्ट टोमोसेंसिस और 3D मेमोग्राफी ठीक है अभी बच्चों हमारे पास थ्री तरह की आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज हैं मेमोग्राफी में ठीक है एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम यूज करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू की एग्जामिनेशन के लिए ठीक है इनकी हर एक टेक्नोलॉजी की एक अपनी स्पेसिफिकेशन है वो हम वन बाय वन जो है वो पढ़ लेते हैं सो नंबर वन इज डिजिटल मेमोग्राफी इट इज ऑल्सो नोन एज फुल फील्ड डिजिटल मेमोग्राफी FFDM इन विच द एक्सरे फिल्म इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स That convert X-rays into mammographic picture of the breast. ठीक है अब चूंकि ये डिजिटल मेमोग्राफी है तो ये आपको क्या करेगी डिजिटल पेशेंट का जो है वो इमेज दिखाएगी ठीक है और मोर विजुलाइज आपको इमेज दिखाएगी ठीक है मोर क्लियर इमेज जो है ये मोर क्लियर पिक्चर जो है वो आपको बेसिकली दिखाएगी तो इसके लिए डिजिटल मेमोग्राफी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स लगे होते हैं ठीक है जिस तरह से बाकी एक्सरे मशीन के अंदर सिंपल डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं इसमें वो नहीं होते इसमें स्पेसिफिक किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स होते हैं ठीक है तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि जब एक्सरेज आए और टिश्यू से पास करें तो वो उसका एक डिजिटल इमेज जो है वो आपको शो करे पेशेंट्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ डिजिटल मेमोग्राम इज सिमिलर टू हैविंग अ कन्वेंशनल फिल्म मेमोग्राम ठीक है अब वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हमारे पास कन्वेंशनल मेमोग्राम था ठीक है जैसे पहले हम एक्सरे यूज करते थे इसी तरह से डिजिटल मेमोग्राम से पहले हमारे पास कन्वेंशनल फिल्म मेमोग्राम था ठीक है कन्वेंशनल से हमें ये था कि हमारे पास पिक्चर इतनी क्लियर नहीं आती थी और हम डायग्नोसिस अच्छा नहीं बना सकते थे ठीक है फिर कन्वेंशनल मेमोग्राम को ओवरलैप कर दिया जिसने डिजिटल मेमोग्राम ने और हमारे पास उसमें जो है वो बेटर इमेज जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन जिसको हम CAD सिस्टम भी कहते हैं सर्च डिजिटाइज्ड मेमोग्राफिक इमेजेस फॉर एबनॉर्मल एरियाज ऑफ डेंसिटी मास और कैल्सिफिकेशन That may indicate the presence of cancer. अब computer aided detection, ठीक है उसका नाम ही शो कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल मेमोग्राफी शो कर रहा है कि उसने डिजिटल इमेज आपको दिखाना है ठीक है इसी तरह से जो कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन है वो ये है कि जो मेमोग्राफी में जो स्पेसिफिकली एक कंप्यूटर लगा हुआ होता है जो कि डिटेक्ट करेगा ठीक है यानी कि कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन है कि कंप्यूटर इटसेल्फ खुद से डिटेक्ट करेगा कि पेशेंट के कौन से टिश्यू है जहाँ पे कोई भी कैंसर है कोई भी मैस है कोई कैल्सिफिकेशन हुई हुई है या वहाँ पे डेंसिटी जो है वो एबनॉर्मल है ठीक है अब कैल्सिफिकेशन क्या होती है बच्चों कैल्सिफिकेशन ये होती है कि आपके ब्रेस्ट में अगर हम ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन की बात करें तो ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम सॉल्ट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेस्ट में ठीक है तो ये भी एज के साथ साथ फीमेल से बहुत ज्यादा कॉमन है तो ये भी जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं द CAD सिस्टम हाईलाइट्स दीस एरियाज ऑफ द इमेजेस altering the radiologist to carefully assess this area. ठीक है अब जो important बात है इसको आप फिर से सुनने की जो CAD system है वो क्या करता है कि जो areas हैं जो कि जहाँ पे abnormal mass है कोई abnormal density है कोई abnormal calcification है CAD system क्या करता है कि उस area को highlight कर देगा ठीक है जब ये उस area को highlight कर देता है तो automatically radiologist को या doctor को या physician को पता चल जाता है कि इस area के अंदर कोई भी abnormality है कोई mass है या कोई कैल्सिफिकेशन ठीक है तो अब हर जो टेक्नोलॉजी है इसकी एक स्पेसिफिकेशन है तो आपने स्पेसिफिकेशन याद रखनी है ठीक है नंबर वन में है डिजिटल मेमोग्राफी जिसको हम फुल फील्ड
डिजिटल मेमोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है, और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि डिजिटल इमेज आएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स। नंबर टू पे हमारे पास है कंप्यूटर एडिट। तो कंप्यूटर एडिट में क्या है कि ये हाईलाइट करता है उस एरिया को जिस एरिया में कोई भी जो है वो अबनॉर्मलिटी, मैस, कैल्सिफिकेशन, कैंसर या कोई इस तरह का इशू प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया बच्चों। थर्ड हमारे पास आ जाता है ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द 3D मेमोग्राफी। अच्छा बच्चों, अब आपको याद होगा जब हमने सीटी स्कैन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि टोमोग्राफी क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टोमोग्राफी का मतलब होता है कि हम किसी भी इमेज को स्लाइसिस के अंदर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने याद रखना है कि ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस क्या है, जिसमें हम ब्रेस्ट टिश्यू को स्लाइसिस के अंदर पढ़ेंगे और वो स्लाइसिस की फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे बल्कि वो स्लाइसिस जो है वो सिंथेसाइज और रिकंस्ट्रक्ट होकर हमें एक इमेज के अंदर जो है वो नजर आए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको उसको थोड़ा फर्दर आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट इमेजिंग वेयर मल्टीपल इमेज ऑफ द ब्रेस्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स आर कैप्चर्ड एंड रिकंस्ट्रक्टेड और सिंथेसाइज्ड इनटू अ 3D डायमेंशनल इमेज सेट, ठीक है। कि क्या होगा बेटा कि हमने स्लाइसिस ही लेने हैं, ठीक है, डिफरेंट एंगल से ब्रेस्ट टिश्यू को एग्जामिन करना है, ठीक है। स्लाइसिस के अंदर इमेज लिया, उसके बाद उस इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करके या सिंथेसाइज करना है, ठीक है। टोमोसिंथेसिस यानी कि स्लाइसिस को हमने सिंथेसाइज किया, हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, इसको ब्रेस्ट टिश्यूज को, ठीक है, उसको हमने 3D इमेज के अंदर जो है वो हमारे पास मेमोग्राम के ऊपर वो इमेज आ गई, ठीक है। The 3D breast imaging is similar to the CT imaging in which a series of thin slices are assembled together to create a 3D reconstruction of the body. ठीक है, जिस तरह से हमने CT में slices देते हैं, इसी तरह से ही इसमें भी हमारा जो breast है वो slices के अंदर जाती है और फिर आपको एक proper reconstructed synthesized image जो है वो digital form में नजर आ जाता है। Although the radiation dose for some breast tomosynthesis system is slightly higher then the dosage used in standard mammography, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमारे पास जो है वो डोज थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, हाई होती है, ठीक है बच्चों। सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड के मेमोग्राफी क्या होती है, एक्सरे के अंदर यूज हो रही है, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू के एग्जामिनेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली इसके अंदर जो तीन हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं ब्रेस्ट टिश्यू एग्जामिनेशन के लिए। नंबर वन डिजिटल, ठीक है, जो कि डिजिटल फॉर्म में आपको इमेज देगी इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स की हेल्प से। नंबर टू है कंप्यूटर एडिड डिटेक्शन, ठीक है, और वो कंप्यूटर एडिड डिटेक्शन का यही मतलब है कि कंप्यूटर की हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं उन एरियाज को जो कि जहाँ पे पैथोलॉजी होती है, कोई अबनॉर्मलिटी होती है, और ये कंप्यूटर उस एरिया को क्या करता है, हाईलाइट करता है, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस। तो ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस में मैंने आपको कहा कि जैसे हम सीटी स्कैन में स्लाइसिस में इमेज पढ़ते हैं, इसी तरह से ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस क्या करता है कि स्लाइसिस के अंदर इमेज करता है, ठीक है, उस स्लाइसिस के अंदर इमेज करके आपको शो कर देता है और फिर रिकंस्ट्रक्ट करके सिंथेसाइज करके एक मेमोग्राफ के ऊपर आपको डिजिटल इमेज शो कर देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज जो है वो हम यूज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब ये जो है वो आप लोगों ने एनाटॉमी में इतना तो आई थिंक पढ़ा ही होगा कि हमारे पास डिफरेंट जो ब्रेस्ट टिश्यूज है वहाँ पे फैटी टिश्यूज भी होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज भी होते हैं, डिफरेंट डक्ट्स भी होती है और डिफरेंट मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो है वो हमें डिफरेंट ये किस तरह से नजर आते हैं मेमोग्राम पे, ये हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ मेमोग्राम, ठीक है, ये हम आगे जाके देखते हैं कि हमें कौन सा टिश्यू जो है वो किस तरह से नजर आता है। अच्छा चलिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देती हूँ। देखिये, जो हमारे पास यूजली इसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है फाइब्रस सॉरी डेंस टिश्यू और एक है नॉन डेंस टिश्यू, ठीक है। जो फैट है वो है हमारे पास नॉन डेंस टिश्यू, ठीक है। तो जो नॉन डेंस टिश्यू है वो आपको कैसे नजर आएगा, डार्क नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये फैट थी, तो ये जो फैटी एरिया है ये आपको कैसे नजर आ रहा है, डार्क नजर आ रहा है, ठीक है। और जो जो है वो हमारे पास डेंस टिश्यू है जिसमें हमारे पास ये आ जाते हैं फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, जिसमें हमारे पास डक्ट्स आ जाती है, ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपको उस तरह के नजर आएंगे, ये आपको व्हाइट कलर के नजर आएंगे, ठीक है। तो अब बच्चों, एक्चुअली द थिंग इज के आपको पता है कि डिफरेंट फीमेल्स हैं और उनका बॉडी मास डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट उनका वेट है, डिफरेंट उनकी बॉडी में फैट की डेपोजिशन है। तो जरूरी नहीं है कि हर फीमेल में ही उनके ब्रेस्ट में जो है वो फैट की डेपोजिशन जो है वो हुई हो, ठीक है। अब ये जो उन्होंने दिखाया, ये किसी हेल्दी फीमेल की ब्रेस्ट है जिसमें काफी ज्यादा आपको नजर आ रहा है कि फैट की डेपोजिशन हुई है, ठीक है। अगर ये फैट की डेपोजिशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्लैकिश एरिया है वो आपके पास कम हो जाएगा। सो हम आप सिर्फ इस लेवल पे इतना ही याद रखें कि आप तो जो डेंस टिश्यू है और जो नॉन डेंस टिश्यू है, ठीक है।
जो नॉन डेंस टिश्यू है जैसे कि फैट है वो ब्लैक नजर आएगा, और जो डेंस टिश्यू है जैसे कि फाइब्रस टिश्यू कोई और कनेक्टिव टिश्यू ग्लैंड्स या डक्ट्स है वो आपको किस तरह की नजर आएंगी, व्हाइट कलर की नजर आएंगी। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो मैम। वॉइस वॉइस प्रेजेंट है क्लास में? यस मैम। यस मैम। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, दो है स्क्रीनिंग है और डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर स्क्रीनिंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि मेमोग्राफी प्लेज अ सेंट्रल पार्ट इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स बिकॉज इट कैन कॉल शो चेंजेस इन द ब्रेस्ट इयर्स बिफोर अ पेशेंट और फिजिशियन कैन फील दैट। ठीक है, यानी कि पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, और पेशेंट को सिर्फ एक कोई लंप अपने या कोई मैस जो है वो ब्रेस्ट में फील हो रहा है, ठीक है, और फिजिशियन ने उसको डिटेक्ट किया तो उसको वो कोई ऐसा प्रॉपर कोई मैस नहीं लग रहा। ठीक है, और पेशेंट कहते हैं कि जी मुझे लगता है कि ये कोई अबनॉर्मैलिटी है, लेकिन उसको कोई साइन सिम्टम्स जो है वो वहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर हम स्क्रीनिंग पर्पज के लिए मेमोग्राफी को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, और वो हम जैसी मेमोग्राफी करते हैं वो हमें सारे टिश्यू का इमेज दिखा के तो शो कर देती है कि यहाँ पे कोई कैंसर टिश्यू या कोई एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, और फिर डेफिनेटली अगर जब पेशेंट की प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी तो फिर उसके बाद उसको साइन एंड सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग बेसिकली हम अर्ली डिटेक्शन के लिए इस पर यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारे पास डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी, अगेन उसका नाम ही शो कर रहा है कि ये हमें डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी इज यूज्ड टू एवेलुएट पेशेंट विद एबनॉर्मल क्लिनिकल फाइंडिंग्स सच एज ब्रेस्ट लंप, निपल डिस्चार्ज दैट हैव बीन फाउंड बाय द वुमन और डॉक्टर। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में आल्सो बी डन आफ्टर एन एबनॉर्मल स्क्रीनिंग मेमोग्राफ इन ऑर्डर टू एवेलुएट द एरिया ऑफ कंसर्न ऑन द स्क्रीनिंग एग्जाम। ठीक है बच्चों, सो अब डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में क्या है कि पेशेंट आपके पास आया है, वो आपके पास सिम्टम्स के साथ आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, वो कहेगा कि जी मुझे ब्रेस्ट में लंप भी बनी हुई है, मुझे वहाँ पे पेन भी फील होती है, वहाँ से कोई डिस्चार्ज भी आ रहा है, वहाँ रेडनेस भी है, इन्फ्लेमेशन भी है। ठीक है, फिजिशियन उसको एग्जाम करता है तो उसको भी लगता है कि भाई यहाँ पे जो है वो क्या है, कोई एबनॉर्मलिटी जो है वो ब्रेस्ट में ग्रो कर रही है। ठीक है, उस डायग्नोसिस को मजीद एक्यूरेट बनाने के लिए, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी को जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर आपने स्क्रीनिंग मेमोग्राफी की है, स्क्रीन किया है और स्क्रीन से आपको प्रॉपरली नहीं डिटेक्ट हुआ तो फिर हम मजीद डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो इसकी मेजर हमारे पास जो है वो टाइप्स है। नेक्स्ट कम द इंडिकेशंस। ठीक है, आपको क्यों जो है वो पेशेंट को मेमोग्राफी करानी पड़ती है, स्क्रीनिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक विमेन। ठीक है जी, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करेंगे, मेमोग्राफी कराएंगे। ठीक है, या कोई उसको लंप फील हो रहा है या कुछ हो रहा है लेकिन सिम्टम्स कोई भी नहीं आ रहे तो हमें, लेकिन पेशेंट कहेगा कि जी पहले मेरा साइज लंप का छोटा था, अब क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ मुझे लगता है कि लंप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि फिर हम उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे बट लंप पेशेंट को फील हो रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी ग्रोथ भी हो रही है तो हम उसको मेमोग्राफी से डिटेक्ट करेंगे। स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क वुमेन। ठीक है, वो फीमेल जो कि हाई रिस्क पे है, जो कि इस तरह के एरिया में काम करती हैं जहाँ पे उनको रेडिएशंस हैं और उनको चांसेस हैं उस रेडिएशंस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाने के। ठीक है, तो इन फीमेल्स को भी फिर हम स्क्रीनिंग के लिए मेमोग्राफी यूज करते हैं। फॉलो अप ऑफ पेशेंट्स आफ्टर मिस्टेक्टमी ऑफ द सेम ऑपोजिट ब्रेस्ट, सेम ब्रेस्ट विद इम्प्लांट। ठीक है जी, आपको पता है मिस्टेक्टमी बच्चों क्या होती है, जिसमें हम ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई मैस है, कोई कैंसर था, कोई एबनॉर्मल टिश्यू था, कोई लंग था। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है मिस्टेक्टमी की। ठीक है, रेडियल मिस्टेक्टमी होती है, मॉडिफाइड रेडियल मिस्टेक्टमी होती है, डिफरेंट टाइप्स होती है। एनीवेज हम उसमें नहीं जाएंगे, उन डिफरेंट टाइप्स में होता है कि कुछ में हम सिंपल निपल को रिमूव कर रहे होते हैं क्योंकि अगर निपल का एरिया इन्वॉल्व होता है, कुछ में आप एरियोलर टिश्यूज रिमूव कर रहे होते हैं क्योंकि वो वाला एरिया इन्वॉल्व होता है, कुछ में हम डक्ट्स रिमूव कर रहे होते हैं। तो आपको ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप मिस्टेक्टमी के पेशेंट्स को जो है वो डील करते हैं। ठीक है, जैसे ही पेशेंट की कोई ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, मिस्टेक्टमी होती है, तो उसके बाद आप जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली उन पेशेंट को आफ्टर 3 to 4 hours सर्जरी के बाद आप आईसीयू में जाकर उस पेशेंट को क्या करते हैं, मोबाइल करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस साइड की पेशेंट की मिस्टेक्टमी हुई होती है उस साइड का पेशेंट फ्रोजन शोल्डर, टेंडिनाइटिस और इस टाइप के पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि पेशेंट को मोबिलिटी जो है उसको रिगेन करना होता है, उसको गाइडलाइंस देनी होती है। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है ये सारा मेमोग्राफी के बारे में जो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये आपको जो है वो इम्पोर्टेंट है।
Then investigation of benign breast disease with examination of skin, nipple discharge, skin thickening. ठीक है, कोई भी patient है और उसमें उसको कोई भी जो है symptoms आ रहे हैं, ठीक है, nipple से उसको किसी किस्म का discharge आ रहा है, yellow आ रहा है, green आ रहा है, ये जो discharge आ रहा है, ठीक है, skin में उसको लग रहा है कि nipple या जो breast tissues है उसकी skin जो है उसमें कोई allergy हो रही है या कोई भी abnormal change आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर thickening हो रही है, तो उन सब के लिए हम mammography करवाएंगे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेस्ट लंप, ठीक है, कोई लंप है ब्रेस्ट में पड़ा हुआ है, नॉर्मल टिश्यू ग्रो कर रहा है, उसके लिए आप कराओगे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑक्युलर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, ऑक्युलर प्राइमरी इज बेसिकली अ कैंसर व्हिच इज अनआइडेंटिफाइएबल, ठीक है, आप कोई ऐसा कैंसरस टिश्यू है ब्रेस्ट में जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, बट पेशेंट को सिम्टम्स जो है वो आपको स्वियर आ रहे हैं, तो आप क्या कराओगे, मेमोग्राफी कराओगे. मेल ब्रेस्ट इवेल्युएशन, इसके अलावा बच्चों मेल्स में भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है ब्रेस्ट की या उनमें जो है वो ब्रेस्ट पे कहीं भी कोई भी अगेन उनको भी कोई लग या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन फील हो रही है तो उसकी भी इवेल्युएशन हम करते हैं थ्रू द मेमोग्राफी. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस. आपसे वाइवा में इंडिकेशंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है. नेक्स्ट बच्चों, ये हमारे पास मेमोग्राफी की मशीन है, ठीक है, इसमें एक्सरे ट्यूब होती है जो कि एक्सरे जनरेट करती है, एक्सरेज जनरेट करती है, ठीक है, उसके अलावा एक कंप्रेशन पैडल होता है जो कि ब्रेस्ट टिश्यू को कंप्रेस करता है, ठीक है, और फोटोमीटर डिटेक्टर नीचे एक लगा होता है और यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको विशेष याद करने की जरूरत नहीं है. एक्सरे ट्यूब, कंप्रेशन पैडल, ग्रिड एंड फोटोमीटर डिटेक्टर, ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना, ये सारे इसके जो है वो मेजर कॉम्पोनेंट्स है. अब बच्चों जो है वो हाउ इज द प्रोसीजर परफॉर्म, ठीक है, जब भी पेशेंट की अगर मेमोग्राफी होती है तो ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म होता है. During mammography, position the breast in the mammography unit and compressed with a clear plastic paddle. The technologist will gradually compress your breast. अभी जो compression है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये इस तरह का ये जो भी हमने पीछे मशीन का यूनिट दिखा था, ठीक है, ये वाला यूनिट है. अब इस यूनिट के अंदर क्या हुआ कि पेशेंट के ब्रेस्ट को जो है वो हमने प्लेस किया, ठीक है, नीचे डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, अब ये ऊपर जो है वो क्या है, हमारे पास कंप्रेशन प्लेट है, ठीक है, प्लास्टिक की प्लेट होती है. अब ये क्या करेगी, ये कंप्रेस करेगी ब्रेस्ट को, ठीक है, ये कंप्रेस करेगी, ऊपर से एक्सरेज आएंगी, एक्सरेज अब्सॉर्प्शन होगी और ऑटोमेटिकली डिटेक्टर के ऊपर इमेज जो है वो बन जाए. अब ये आपको बताने का मकसद है कि ये कंप्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी हमने जब रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज देखी थी तो हमने इस तरह से कंप्रेशन नहीं किया था कहीं, यहाँ पे हम टिश्यू को कंप्रेस क्यों कर रहे हैं. इसके कुछ रीजंस हैं. नंबर वन इज इवन आउट द ब्रेस्ट थिकनेस सो दैट ऑल द टिश्यूज कैन बी विजुलाइज, ठीक है, ब्रेस्ट की थिकनेस को हम इक्वल करने के लिए इस तरह करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि सारे टिश्यूज हमें इजीली विजुलाइज हो जाए. नंबर टू इसका क्या रीजन है, स्प्रेड आउट द टिश्यू सो दैट द स्मॉल एबनॉर्मलिटीज आर लेस लाइकली टू बी हिडन बाय ओवरलाइंग ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है. दूसरा ये रीजन है कि अगर कोई स्मॉल एबनॉर्मेलिटीज है, ठीक है, तो वो क्या करे, कंप्रेस करने से स्प्रेड आउट हो जाए टिश्यू के अंदर, ठीक है, जब वो स्प्रेड आउट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मैमोग्राफ के ऊपर आपको क्लियर नजर आ जाएगा. थर्ड क्या है बच्चों, होल्ड द ब्रेस्ट स्टिल इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ब्लरिंग ऑफ द इमेज कॉज्ड बाय द मोशन, ठीक है, तो जब इस तरह से ब्रेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, ब्रेस्ट को हम होल्ड कर लेंगे और मूवमेंट से इमेज जो है वो ब्लर नहीं होगा और हमारे पास कोई आर्टिफैक्ट जो है वो डेवलप नहीं होगा. रिड्यूस एक्सरे स्कैटर टू इंक्रीज शार्पनेस ऑफ द पिक्चर, ठीक है, उसके अलावा जब हम इस तरह से कंप्रेस करेंगे तो रेस ऊपर से आ रही है तो वो रेस स्कैटर नहीं होंगी, यूनिफॉर्मली इसके अंदर की जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है बच्चों. तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप मेमोग्राफी करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू को प्लेस किया डिटेक्टर में, वहां से प्लास्टिक का जो कंप्रेशन पैडल था उसने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, ठीक है, और फिर इमेज हमारे पास आ गया. और दीज आर द रीजंस फॉर द कंप्रेशन. और ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों जरा इंपॉर्टेंट है कि हम ये कंप्रेशन क्यों करते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है. इस तरह से देखिए, ब्रेस्ट को हमने कंप्रेस किया और ऊपर से एक्सरेज आई, यहाँ से पास हुई, फिल्म डिटेक्टर नीचे लगा हुआ था उसने डिटेक्ट किया और आपको एक मेमोग्राम के ऊपर इमेज जो है वो दिखा दिया, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट बच्चों द इम्पोर्टेंट थिंग इज मेमोग्राफी व्यूज, ठीक है, जैसे कि हमने एक्सरेज में डिफरेंट व्यूज पढ़े थे, इस तरह से मेमोग्राफी को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो व्यूज होते हैं, ठीक है. बेसिकली दो व्यूज हम यूज करते हैं, क्रेनियो कॉडल व्यू और मीडियो लैटरल ओब्लिक व्यू, ठीक है. अच्छा बच्चों, अब जो है वो क्रेनियो कॉडल क्या है, ठीक है, जिसमें क्रेनियो कॉडल यानी कि सुपीरियर से इंफीरियर में जो है वो हमारे पास क्या होगा, रेज जो है वो पास कर रही होगी पेशेंट के टिश्यू से, ठीक है, राइट क्रेनियो कॉडल और लेफ्ट क्रेनियो कॉडल, ठीक है. सेकेंड हमारे पास है मीडियो लेटरल ओब्लिक. तो मीडियो लेटरल ओब्लिक का क्या मतलब है कि ओब्लिक पोजिशन है और मीडियल से लेटरली जो है वो रेज पास कर रही है, ओके.
द राइट मीडियो लेटरल ऑब्लिक एंड लेफ्ट मीडियो लेटरल ऑब्लिक. ओके बच्चों, तो ये जो है वो आपको इमेजेस इस तरह से शो करके पूछा जा सकता है कि ये कौन सा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, या ये कौन सा व्यू है. ठीक है, तो आपको एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये मैमोग्राफी का कौन सा व्यू है. वाइवा और स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके बच्चों, दिस इज ओल्ड फिल्म टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी. ठीक है, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास कन्वेंशनल मेमोग्राफी की या हम जो है वो कन्वेंशनल फिल्म टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो बेस्ट की इमेजिंग करते थे. ठीक है, तो उसमें हमारे पास इस तरह से क्लियर इमेज जो है वो नहीं आता था. अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो हमें प्रॉपर एक विजुलाइज इमेज जो है वो दिखा देती है. ठीक है, ये भी इतनी वैसे क्लियर इमेज तो नहीं है, बट एनी वेज जो हमारे पास कन्वेंशनल थी, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, वो हमें टिश्यूज और डक्ट्स सब इतना क्लियर नहीं शो करती थी. जो कि डिजिटल है वो हमें मोर टिश्यूज को जो है वो प्रॉपर वे से शो करती है. ओके, नॉर्मल ब्रेस्ट मेमोग्राम. ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आपने डेंस और नॉन डेंस टिश्यूज वाला जो पॉइंट है वो याद रखना. ठीक है, हमने पढ़ा था फैट हमारे पास क्या थी, नॉन डेंस थी. ठीक है, तो ये हमें ब्लैक कलर की नजर आएगी. उसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था कि जो ब्लैडर टिश्यूज है, जो डक्ट्स है, ठीक है, बिकॉज दे आर डेंसर, सो ये हमें किस तरह नजर आएंगे, व्हाइट कलर के नजर आएंगे मेमोग्राम. ठीक है, और ये मसल है चुके, तो ये आपको डार्क ग्लेसिस की अपीयरेंस है. ठीक है, तो ये आपने बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा बेशक आप जो है वो ना याद रखें, बिकॉज फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इस लेवल पे. आप इतना ही याद रखें, ठीक है, आपसे इसी लेवल पे और इतना ही जो है वो पूछा जाएगा. ठीक है, तो डेंस और नॉन डेंस टिश्यूज का आप फॉर्मूला याद रख लें और उसी तरह से आप फिर इसको मेमोग्राम को लेबल कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिस्ट है, कैंसर है, कैल्सिफिकेशन है. अच्छा बच्चों, अब ये तो नॉर्मल हमारे पास मेमोग्राम हो गए. ठीक है, डक्ट नजर आ रही है, ग्लैंड नजर आ रहे हैं. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फैट है इस पेशेंट में, ज्यादा फैट नहीं है. ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है मेजर मसल्स आते हैं. ठीक है, अब जो है वो आपको इस तरह से ये शो करके पूछा जा सकता है कि ये क्या है. ठीक है, अब आप देखें कोई आपको लोकलाइज्ड फ्लेक्शन कहीं पे नजर आ रही है, दैट इज बेसिकली अ सिस्ट. ठीक है, वो आपको कहीं पे जो है वो मेटास्टाइज करती हुई नजर आ रही है. देखिए यहाँ पे देखिए लोकलाइज है और ये यहाँ पे मेटास्टाइज कर रही है, ये इसकी ब्रांचेस दिखती है, तो दैट इज बेसिकली एनी कैंसरस और मेलिग्नेंट टिश्यू. ठीक है, और उसके अलावा कैल्सिफिकेशन जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैल्शियम सॉल्ट्स जो है वो इस तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई ट्रॉमा की वजह से, किसी इंफ्लेमेशन की वजह से, नॉर्मल एजिंग के साथ भी इस तरह हो जाता है. ठीक है, तो आपको इस तरह से जो है वो वाइट वाइट स्पॉट्स जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू नजर आएंगे. ठीक है बच्चों, तो ये आपने एटलीस्ट इन जो तीन चार इमेजेस मैंने दिखाए हैं इनको आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए. अच्छा, अब जैसे बच्चों मैस अगर कोई है नॉर्मल, उसके डिफरेंट मार्जिन होते हैं. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था जो है वो एक्सरेज में फ्रैक्चर्स पड़े थे, और फ्रैक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्चर को आपने आइडेंटिफाई करना है तो हम लाइन ऑफ फ्रैक्चर लाइन से जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. ठीक है ना, कि ट्रांसवर्स लाइन है तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स है, ओब्लिक लाइन है तो ओब्लिक फ्रैक्चर है. इसी तरह से ही बच्चों, जब आपने अगर कोई भी आपको मैस नजर आ रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल मैस नजर आ रहा है आपको ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके हम क्या करते हैं, मार्जिन देख लेते हैं कि वो मार्जिन किस तरह के. ठीक है, उन मार्जिन की बेस पे हम कहते हैं कि इस तरह का मैस है, ये इस तरह का मैस है. जैसे कि आपको अगर क्लियर कट इस तरह से सर्कम सीजन नजर आ रहा है तो दैट इज सर्कमस्क्राइब. ठीक है, जैसे क्लियर बाउंड्रीज है, अगर बाउंड्रीज एक साइड से डिस्टर्ब है तो दैट इज ऑब्स्क्यूड. माइक्रोलोब्यूलेटेड, ठीक है, जो छोटी छोटी सी माइक्रोलोब्यूल्स बनी हुई है तो दैट इज माइक्रोलोब्यूलेटेड. इस तरह का आपको नजर आएगा. अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई लोब्यूल्स नहीं नजर आ रही, कोई बाउंड्री नजर नहीं आ रही, इल डिफाइंड है तो दैट इज इल डिफाइंड. और अगर उसकी टेंटिकल्स टाइप से आपको नजर आ रही है तो दैट इज स्पेक्यूलेटेड. अब अगेन बच्चों, ये आपसे इस लेवल पे मैं आपको मेमोग्राम पे तो ये मैस नहीं पूछूंगी, बट आपको वाइवा में एटलीस्ट आना चाहिए कि अगर कोई भी ब्रेस्ट का एबनॉर्मल मैस है उसके कौन कौन से मार्जिन जो है वो हो सकते हैं. ठीक है, अब एक और अभी स्टूडेंट ने लास्ट सेक्शन में क्वेश्चन किया था कि मैम हमारे पास चूंकि कैंसर भी मेटास्टाइज करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैस जो है हमें और नॉर्मल मैस जो है वो भी हमें ऐसे लग रहा है कि शायद वो मेटास्टाइज कर. ठीक है, तो अगर हमें डिटेक्शन ना हो रही हो कि ये कैंसरस टिश्यू है या ये कोई सिंपल एबनॉर्मल मैस है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम मेमोग्राफी में नहीं पता चल रहा तो हम टिश्यू बायोप्सी या जिसको निडल बायोप्सी कहते हैं उसकी तरफ जाते हैं. ठीक है, हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम क्या करते हैं, निडल बायोप्सी भी मैंने आपको उसमें बताई थी. ठीक है, एंजियोग्राफी पढ़ा था हमने, डिफरेंट पढ़ी थी, उससे मैंने आपको बताया था कि
ब्रेस्ट टिश्यू के लिए नीडल बायोप्सी करते हैं और उस बायोप्सी से हम जो टिश्यू है जो मैस है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो एग्जामिन करके देखते हैं कि ये टिश्यू आइदर बिनाइन है या फिर कैंसर। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो आनी चाहिए, बट ये जो है वो आपको सिंपल वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। ठीक है, ये स्पॉटिंग के व्यू से आनी चाहिए और ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। ओके, देन ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन। अब ये ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन बहुत कॉमन है चूंकि फीमेल जो एजेंट फीमेल होती है एजिंग के साथ साथ कॉमन होती है। इसकी डिफरेंट हमारे पास पैटर्न होते हैं, एक है डिफ्यूज पैटर्न जिसमें आपको नजर आ रहा है कि पूरा डिफ्यूज हुई हुई कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, रीजनल जिसमें हमारे पास क्या है कि एक स्पेसिफाइड रीजन में आपको कैल्शियम नजर आएगी। ठीक है, लीनियर में एक लाइन की फॉर्म में कैल्शियम होगी, क्लस्टर्ड में क्या होगा कि एक क्लस्टर बना हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, और सेगमेंटल में क्या होगा कि एक सेगमेंट इसने पूरा ब्रेस्ट का जो है वो कैल्शियम सॉल्ट ने कवर किया। ठीक है बच्चों, तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है मेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कि ये एक हमारे पास इस वक्त नजर आ रहा है मेमोग्राम और उसके ऊपर ये कैल्शियम सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट हुए हुए हैं। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? अच्छा जी, मोहम्मद हसन ताहिर, अनम्यूट करें बेटा। हसन ताहिर जल्दी से अनम्यूट करें, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मुझे बताएं ये अभी हमने पीछे कैल्सिफिकेशन की टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, पैटर्न्स पढ़े, ये कौन सी कैल्सिफिकेशन है? एनी आइडिया? गेस करें। मैम सॉरी मैम, याद नहीं आ रहा मैम, विषय कभी पढ़ी है लेकिन याद नहीं आ रहा। ठीक है जी, महबूब यूसुफ अनम्यूट करें बच्चे। महबूब यूसुफ बेटा आपको आवाज आ रही है? बेटा रिस्पांस किया करें जब आपका नाम लिया जाता है तो। महबूब यूसुफ, गर्ल्स में से वॉलंटरीली हैंड रेज करें जल्दी से, शाबाश। अच्छा जी, किन किसने हैंड रेज किया है? महबूब ने जी। महबूब आपने अगर हैंड रेज किया तो बेटा बताए ना फिर ये क्या है, किस टाइप की कैल्सिफिकेशन है? बेटा आपका माइक खराब है या क्या मसला है? महबूब आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। चले महमूर आप बताएं। मैम रीजनल, इसको चले यहाँ से हम एक दफा देख लेते हैं। रीजनल ने बेटा मैंने आपको बताया कि एक और रीजन आपको नजर आएगा। ठीक है, ये देखें, ये कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, ये डिफ्यूज होगा। हां मैम, ये डिफ्यूज्ड होगा। कौन सी है? डिफ्यूज। ठीक है जी मैम, आगे। ठीक है बच्चों, तो अभी इतना आप लोगों ने जो है वो एटलीस्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा सा पढ़ लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों, क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ब्रेस्ट के जो है डिफरेंट रिसर्चेस हैं जिसके बेस पे हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स को जो है स्पेसिफाइड कर दिया है कि इस क्वाड्रेंट में इतने परसेंट चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर के, इसमें इतने और इसमें इतने हैं। तो ये भी आपसे वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट जो है उसमें कितने परसेंट चांसेस है, या जो है वो राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कितने चांसेस हैं। ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में कितने परसेंट चांसेस हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में कितने परसेंट चांसेस हैं, या जो एरियोलर एरिया होता है इसमें कितने परसेंट चांसेस हैं कैंसर टिश्यू के डेवलप होने के। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर क्विज, रिगार्डिंग योर वाइवा या रिगार्डिंग योर स्पॉटिंग तो नहीं लेकिन आपसे वाइवा में या क्विज अगर हुआ तो उससे पूछा जा सकता है। तो बच्चों उसके अलावा पेक्टोरल मसल फोल्ड आर्टिफैक्ट, एक दो मैंने आर्टिफैक्ट ऐड किए हैं। ठीक है, इसमें अगर प्रॉपरली ब्रेस्ट टिश्यू को हमने नहीं प्लेस किया हुआ और पैटर्न इसको कंप्रेस नहीं किया होता तो क्या होता है कि आपको इस तरह से आर्टिफैक्ट नजर आ जाता है जिसकी वजह से इमेज प्रॉपर क्लियर नहीं होता। ठीक है, जो कि हमारे पास इस वक्त क्या है, पेक्टोरलस मसल का है। ठीक है, और नेक्स्ट इमेज में हमारे पास जो है वो किसका आर्टिफैक्ट है, एक्सिलरी स्किन फोल्ड का आर्टिफैक्ट है। ठीक है, एक्सिलरी फोल्ड हमारे पास नजर आ गया और इसकी वजह से हमें मेमोग्राम में ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो प्रॉपरली क्लियर नजर नहीं आ रहा। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि मेमोग्रामी मेमोग्राफी सॉरी क्या होती है, ठीक है, मेमोग्राम क्या होता है, और उसके अलावा एक्सरेज यूज हो रही होती है, हमारे पास कौन सी थ्री टेक्नोलॉजीज जो है वो हम यूज कर रहे हैं, डिजिटल है, कैट है, बेस्ट होमोसिंथेसिस है, ठीक है। फिर बच्चों मैंने आपको बताया है कि इसकी स्पेसिफिकली इंडिकेशन क्या है, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी, और फिर जो है वो हमने पढ़ा के डिफरेंट अगर जो है वो कैल्सिफिकेशन है या कोई सिस्ट है तो आप या कोई मैस है उसके क्या पार्टिकल्स होंगे आप उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर कैल्सिफिकेशन के डिफरेंट पैटर्न हमने पढ़े हैं और दिस इज ऑल बच्चों। तो ये आपको एटलीस्ट जितना इस लेक्चर में है मेमोग्राफी से रिलेटेड इतना आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब आप में से किसी बच्चों का भी कोई क्वेश्चन है तो उससे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम मैम, मैंने कहना था कि मुझे ना एलएमएस पे एनरोल कर दें। मैंने आपको मेल भी की थी, मेरा सेक्शन जो है वो चेंज हो गया है, पहले मैं बी में थी, अब मेरा डी हो गया। आपका नाम है हाफिजा अनीसा। बेटा आई डोंट नो, मेरे एलएमएस पे एनरोलमेंट नहीं हो रही। मैम मैंने मेल की थी सर अफनान को, उन्होंने कहा था कि आप अपने रिसोर्स पर्सन को कहें कि वो आपको एनरोल करें। चले आपको मेरे मेल से मिल रही है ना, ड्राइव लिंक तो आपके साथ शेयर हो रहा है। नो मैम, ये मैंने ग्रुप से ग्रुप वालों को कहा था तो उन्होंने शेयर किया है, मुझे मेल कोई नहीं मिल रही। आप अच्छा मेल में तो है तो मैंने आपको ऐड किया होगा शायद। मगर मैम मुझे कोई मेल नहीं मिली आपकी ना, मुझे असाइनमेंट का भी ग्रुप से पता चला है कि उसकी लास्ट डेट जो है सबमिशन वो 13 है, कल पता चला है। मुझे आपका सेक्शन चेंज क्यों हुआ था? सर ने कहा था कि लो स्ट्रेंथ की वजह से जो मतलब इस वजह से सेक्शन चेंज हुआ है, जिन सेक्शन में बच्चे काम है उनको फिर उधर भेज रहे हैं कुछ बच्चों को। अच्छा बच्चे मुझे बताएं फॉल 2018 241305 यही आपका रोल नंबर वो है? जी मैम जी। चलिए बेटा आपको मैंने ऐड कर दिया है ग्रुप में, तो ठीक है आपको साथ अब शेयर हो जाएगा, जी मेल के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया है। एलएमएस पे एनरोलमेंट मैंने बहुत दफा ट्राई की है लेकिन जो है वो एनरोलमेंट का कोई इशू है, आई डोंट नो वो इशू है क्या। इन्होंने फैकल्टी को जो है ना वो अलाउ तो किया हुआ है बट एनरोल हो नहीं रहा। ओके मैम, आप मुझे सिर्फ बेटा वन डे दें, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले ना मैं मेल करती हूँ पीआरबी टीम को और उनके थ्रू आपको जो है ना वो आपका क्या नाम है? नबीहा तारिक। नबीहा तारिक आपको आती है बच्चा मेल? आपको भी नहीं आ रही? नो मैम मुझे भी मेल नहीं आती। अच्छा आपने मुझे बताया, आपने मुझे मेल की हुई है, वैसे तो मैं मेल का रिस्पांस कर देती हूँ। यस मैम, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ओके मैं ना ट्राई करती हूँ बेटा आपके एनरोल करने के लिए, मैं आपको अभी ये स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, बट एनरोलमेंट में कोई मसला आता है जिसकी वजह से एनरोलमेंट होती नहीं है, वो क्या है इशू ये मुझे नहीं पता। देखें मैं आपका एनरोल करती हूँ। देखें जीरो एनरोल, आप नहीं एनरोल हो रहे। तो चलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि जो है वो मेल करूँ। अच्छा जो मुझे जल्दी से बता दें सेकंड स्टूडेंट कौन है? नबीहा। यस मैम। नबीहा फुल नेम बताएं बेटा? नबीहा तारिक। तारिक बच्चे आप लोगों ने वो दिया है अपना ओरल टेस्ट? जो हमारा ओरल टेस्ट हो चुका है? नो मैम, तब मैं इस क्लास में ऐड नहीं थी, मैं दूसरी सेक्शन में थी, मैंने उधर टेस्ट दिया। अपना आईडी बताएं नबीहा, अपना आईडी बताएं जल्दी से बेटा। F2018 241505
605. चलिए मैं आपको जीमेल पे तो ऐड कर लेती हूँ, बल्कि मैंने ये आपको ऐड कर लिया ठीक है, बट एनरोलमेंट का फिर मैं ना ये आरपी वालों को करती हूँ. नबीहा तारिक है और हाफिजा अनीजा फातिमा. मैम जी जी मैम, जो जब वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर हमने पढ़े थे तब मैम सीटी और एमआरआई वगैरह में इतना खास डिफरेंस पता नहीं चला था, तो मैम बाद में आपने डिटेल्ड लेक्चर भी बताए थे, तो मैम हमने ना खुद से थोड़ा बहुत देखा डिफरेंस, लेकिन आप भी एक दफा हमें बता देना कि हमको देखने का डिफरेंस किस तरह से होता है पता चलता है. सॉरी दोबारा से बताए मैम, ये जो सीटी एमआरआई वगैरह होता है अगर वो साथ में आए तो हमें उनको डिफरेंस कैसे पता चल सकता है वो देखने के लिए? सीटी और एमआरआई? यस मैम. बेटा एमआरआई तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है. मैम आपने इंट्रोडक्शन में जब दिया था ना तब मैम उसमें डिटेल्स नहीं बताई थी, लेकिन मैम आपने क्विज ओरल क्विज में मेरे से पूछा था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो मैम वो वाला क्वेश्चन का इशू था मुझे. अच्छा लेकिन बच्चों देखिए उसमें आप इतना तो बता सकते थे ना कि सीटी और एमआरआई के इमेज में चले, अगर आपको नहीं पता तो आप ये बता सकते हैं कि उसमें एक्सरे यूज हो रही है और उसमें जो है वो दूसरी रेज यूज हो रही है. मैम वो स्पोर्टिंग में लाई थी आप, स्पोर्टिंग की पिक्चर दिखाई थी जस्ट आपने. चलिए आई डोंट नो वो क्या क्वेश्चन था बेटा, लेकिन डेफिनेटली बच्चों अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एमआरआई ही पढ़ेंगे, तो एमआरआई जब आप पढ़ लोगे तो आपको फिर ऑटोमेटिकली दोनों में डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा ठीक है. ओके मैम. मैम वो इशू वैसे ही मैंने आपसे डिस्कस किया कि मतलब क्विज में आपने तब स्पोर्टिंग में पूछा था. अच्छा ठीक है. अच्छा बच्चों आप ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं फिर आप दोनों बेटा मुझे, क्योंकि हमारा ओरल टेस्ट हो चुका है बच्चों, मुझे हो जाती कि आप लोग अगर क्लास में एनरोल हुए हैं तो आप तो एटलीस्ट मुझे ये तो बताए ना कि आप जो है वो आपने टेस्ट नहीं किया हुआ या कुछ नहीं किया हुआ. ओरल क्लास टेस्ट था हमारा 5% का ठीक है. नबीहा एंड हाफिजा अनीजा फातिमा फर्स्ट 5 लेक्चर्स एलएमएस के ऊपर जो अपलोडेड है उसका ओरल टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट क्लास यानी कि जो सैटरडे को क्लास होगी ठीक है. मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी क्लास की राइट आफ्टर 5 मिनट्स में मैं आपको क्विज दे दूंगी ठीक है. ओके मैम. ओके मैम. अच्छा बच्चों हाँ इसके अलावा मैंने एक बात कहनी थी जो कि मैंने आपको मेल भी सेंड की हुई थी कि अगर आप सब बच्चे बच्चों ऑन कैंपस क्लासेस में कोई भी लेना चाह रहा है तो यू हैव टू बी फुली वैक्सीनेटेड ठीक है. यानी कि आपको फुल अपनी फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज लगाएं, सेकंड वैक्सीनेशन डोज लगवाएं ठीक है, और सेकंड वैक्सीनेशन डोज के 1 वीक के बाद फिर आप एलिजिबल हैं कि आप ऑन कैंपस आके क्लास ले लें. बट ये आपके पास जो है वो प्रॉपर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके हैंड में होना चाहिए ठीक हो गया. क्लियर हुआ? यस मैम. आप सब बच्चों ने बेटा फर्स्ट डोज लगवाएं, सेकंड डोज लगवाएं, सेकंड डोज के 1 वीक के बाद जब आप फुली वैक्सीनेटेड हो जाते हैं आपके एंटीबॉडीज प्रॉपरली बूस्टअप होना शुरू हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है ठीक है, तो आप फिर नादरा के ऑफिस से या जहाँ से भी आपने एक वैक्सीनेशन करवाई है वहाँ पे प्रॉपर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लें ठीक है, और वो ऑथेंटिक होना चाहिए बिकॉज उसकी ऑथेंटिसिटी फिर चेक की जाएगी ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आप ऑन कैंपस आके क्लासेस लें. तो ये बच्चे अभी आप लोग फिर देख लें क्योंकि अभी तो चले आपके पास टाइम है, ऑप्शन है, आप सारे बच्चे वैक्सीनेशन अपनी कम्प्लीट करें ठीक है, और फिर उसके 1 वीक के बाद वैक्सीनेशन कम्प्लीट होने के 1 वीक के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आपके जब आप आएंगे ऑन कैंपस क्लास में आने से पहले आपके पास अपना सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक जो है वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाई ठीक है ना, तो आप लोगों ने बच्चे अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो देखिए अभी तो हम ऑनलाइन चल रहा है लेकिन जब टोटली ऑन कैंपस हो जाएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी ठीक है, आपको अलाउ नहीं करेंगे क्लास में बैठा तो आप ऐसे क्लास लें. सो जिन बच्चों ने नहीं वैक्सीनेशन लगवाई वो अपनी वैक्सीनेशन जो है वो एज सून एज पॉसिबल लगवा लें. मैम वो ना लगवाने गए तो आगे से उन्होंने कहा है कि मतलब आपको बुखार है आप नहीं लगवा सकते, तो उसका क्या रीजन है मैम? मतलब वो क्या आपको? जी मैम वो ना 98-99 टेम्परेचर बता रही थी उनकी जो हीट गन थी मैम, फिर उन्होंने नहीं लगाया. आपको फीवर क्यों है? फीवर क्यों है बेटा? मैम वो गर्मी है ना इसलिए हो जाता है, वैसे ठीक है मैम. गर्मी की वजह से फीवर हो गया? जी मैम. बेटा आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, फीवर इटसेल्फ अगर आपको व्हाटएवर द रीजन इज ठीक है ना, देखिए गर्मी की वजह से फीवर होना इज ये गर्मी की वजह से फीवर नहीं होता ठीक है,
गर्मी की वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है? फीवर जी मैम वही, हाँ बच्चे देखिए फीवर इटसेल्फ इज इंडिकेशन कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? कोई पैथोलॉजी है, कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई भी इस तरह का मसला है जिसकी वजह से फीवर हो रहा है, तो उस चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। मैम फिर उन्होंने नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि आप 4 या 5 डेज के बाद आए फर्स्ट डोज लगवाने के लिए, अब क्या करें? मैम ये तो लेट होता जाएगा। अगर आपको लगता है, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको बेटा लगता है ना कि लेट सपोज आप कहते हैं कि जी मेरा गर्मी की वजह से टेम्परेचर थोड़ा रेज कर जाता है और उसकी वजह से नहीं वो लगा रहे, तो आप देखिए आई थिंक 24 आवर्स एक्सपो जो है वो उसमें वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? तो आप मैम दरअसल ना जी मैम लाहौर से नहीं है ना मैम, हम तो विलेज से सिटी जाते हैं, जहाँ भी है आप, जहाँ भी है वहाँ पे भी तो कोई वैक्सीनेशन इवनिंग टाइम्स होगी ना, ठीक है? तो मैम वो तो डे में होती है ना, नाइट टाइम तो नहीं होती ना वैक्सीनेशन। फिर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और देखें आपको क्यों फीवर हो रहा है, इसको रूल आउट करवाएं, ठीक है? बिकॉज मैंने भी आपको क्लियर कर दिया है बेटा कि फीवर होना इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द गर्मी, समर में कोई फीवर नहीं हो जाता किसी को, ठीक है ना? फीवर होना तो मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई आपका गला खराब होगा, कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा होगा, कोई आपको नहीं, नहीं, मैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मैम। नहीं बच्चा कुछ तो होगा जो आपको फीवर हो रहा है ना, या आप किसी फिजिशियन के पास जाए और उसे रूल आउट करवाएं, ठीक है? ठीक है मैम आ जाते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगाओगे तो आई विल नेवर लेट यू इन द क्लास, ठीक है? ये बेटा मेरा ऑर्डर नहीं है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आप सबके लिए ही है बेटा, ये आप लोगों की हेल्थ के लिए। आप लोग देखिए कितने वर्षों से घर है, तो आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि कोविड ने पूरी दुनिया को इस वक्त जो है वो कितना ज्यादा इफेक्ट किया, ठीक है? इंक्लूडिंग योर कंट्री, इंक्लूडिंग योर सिटी, हर एरिया में कोविड ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, और जो थर्ड वेव थी बच्चों उसने तो बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, बहुत ज्यादा पेशेंट्स को सिम्टम्स के साथ जो है वो कोविड ने इफेक्ट किया। पहले ये होता था कि पेशेंट को कोविड डिटेक्ट होगा, कोई सिम्टम नहीं हुए और 14 डेज की क्वारंटाइन के बाद पेशेंट फारिग हो गया, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ था कि हर पेशेंट को सिम्टम था, मेरी अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स में पेशेंट जो है वो कोविड से इफेक्ट हुए, ठीक है? तो बेटा देखिए इसको आप थोड़ा सीरियस लें, ठीक है? और अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करें एज सून एज पॉसिबल। एक चीज मैम और पूछनी थी मैम, मैम अगर अभी हम जी जी बताएं मैम, अभी अगर हम फर्स्ट डोज लगाते हैं तो हमें 28 डेज के बाद सेकंड डोज लगेगी, तो मैम मिड तो हमारे 14 से कह रहे हैं मतलब शुरू हो रहे हैं, तो फिर हम मिड किस तरह दे सकेंगे ऑन कैंपस? काफी बच्चों ने नहीं लगवाई मैम। जस्ट एक मिनट बेटा, आप मुझे सिर्फ ज़ैनब शाहिद बेटा अपना मुझे आईडी बताएं, सॉरी बेटा आपको इंटरप्ट कर रही हूं। ज़ैनब शाहिद जिनको मेल नहीं आती अपना आईडी बताएं मुझे। बेटा आईडी बता दें ज़ैनब शाहिद मुझे मेल ये चैट बॉक्स में बता दें, मैं आपको ऐड कर देती हूँ ग्रुप में, ठीक है? और एलएमएस पे भी एनरोलमेंट आप कर दूंगी। अच्छा आप पूछ रहे थे बेटा, देखिए अभी इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी इस प्रोसेस को कंप्लीट करें एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? डेफिनेटली आप कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा, अभी मिड टर्म्स हमें नहीं पता कि किस तरह होने आपके ऑन कैंपस है ऑनलाइन है या क्या क्राइटेरिया है, पर जो भी क्राइटेरिया होगा उसमें इस चीज को अंडर कंसिडरेशन डेफिनेटली रखा जाएगा, ठीक है? कि जो स्टूडेंट्स अभी कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड नहीं है उनको किस तरह से अकोमोडेट करना है उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है? आप सिर्फ इस बात की टेंशन लें कि अगर आपने अभी तक अपनी फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई, ठीक है? ओके मैम थैंक यू। अच्छा ये ज़ैनब शाहिद आप तो बेटा मेरे पास एनरोल्ड है ऑलरेडी सेक्शन डी में, आपको तो मेल्स नहीं आ रही। ये देखिए बेटा आप रेडियोलॉजी सेक्शन डी स्लॉट 7 में एडेड है, आपको कैसे मेल्स नहीं आ रही? हाँ जी एनीवन एल्स बच्चों मैम कोई प्रॉब्लम कोई मसला? तुबा नदीम भी आई थिंक मेरे पास ऐड है, तुबा आप ऐड नहीं है, आपको मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है? सेक्शन में
आप बच्चों ने भी क्विज दे दिया हुआ है, आप लोग क्यों नहीं ऐड हुए उस सेक्शन में? ज़ैनब शाहिद एंड दुबा नदीम. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम क्विज दे दी है. हाँ जी जी बताए मैम. मुझे रिकॉर्डिंग के लिंक की एक्सेस मिल जाएगी एलएमएस पे? कौन सी मैम? ये जो 9-8-9 लेक्चर है और 10-11 वाला. मैंने एलएमएस पे आपकी रिकॉर्डिंग्स के लिंक आपको नहीं मिलते मैम, उसके एक्सेस नहीं आ रही ना. वो कह रहे हैं कि आपको एक्सेस चाहिए होगी मैम की. आपको क्यों नहीं आ रही एक्सेस? मैम मैंने एलएमएस पे खोला था तो फिर उन्होंने कहा था आप मैम को मेल करें एक्सेस की, तो आप मुझे अलाउ करेंगी ना, फिर रिकॉर्डिंग खुलेगी. अच्छा ऐसा भी कुछ है, पहले मैं देखती हूँ. आप मेरे एलएमएस पे एनरोल तो है ना? यस मैम. आपको क्या असेस नहीं हो रहा मैम? रिकॉर्डिंग के लिंक्स. रिकॉर्डिंग लिंक्स आई थिंक मैंने ड्राइव के साथ शेयर किए. मैं आपकी एलएमएस पे जो लेक्चर्स ही अपलोड होंगे मैं सिर्फ. आई थिंक सो. ऐसा ही है बच्चों, बाकी क्लास में आए थे. रिकॉर्डिंग्स पे ड्राइव लिंक के थ्रू मैंने शेयर की हुई है. आप ड्राइव लिंक पे हो? यस मैम. वहां से रिकॉर्डिंग ले लेना बेटा. ओके मैम मैं फिर देखती हूँ. जी वैसे मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह इस वीकेंड पे इसको मैं अपडेट कर दूं कि आपके हर लेक्चर के साथ जो रिकॉर्डिंग है ना उसको मैं वो ऐड कर दूंगी. ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम. जी मैम. ओके थैंक यू. हाँ जी, एनीवन एल्स? किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें. आपको वैक्सीनेशन का बच्चों क्लियर हो गया? अब सब बच्चों को जब तक कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड नहीं होते, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और सेकेंड डोज के 1 वीक के बाद, ठीक है, आप एलिजिबल होंगे टू बी ऑन द कैंपस. इसलिए एज सून एज पॉसिबल इस प्रोसेस को आप कम्प्लीट कर लें. ठीक है जी, ताकि आपको जब तीन क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो आपको फिर प्रॉब्लम ना हो. ठीक है ना? अभी तो चले ये सेमेस्टर आपका इस तरह अगर हो रहा है, लेकिन जो जुलाई, अगर आप अभी भी वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो जुलाई तक आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप ऑन कैंपस क्लास दें. ठीक है ना, मिड टर्म्स के बाद. एनीवन एल्स, किसी को मसला है तो बता दे, अदरवाइज फिर हम क्लास एंड कर देते हैं. जो आप लोगों को अगर एलएमएस पे कुछ भी नहीं, कोई जो है वो असेस नहीं हो रही होती, तो जो ड्राइव लिंक है उसमें आपके लेक्चर्स भी अपलोड है. ठीक है, और उसमें आपके पास जो है वो रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड है. ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्लीज वहां से भी देख लिया करें. बिकॉज एलएमएस के ऊपर जो है वो 3 MB से आई थिंक बड़ा इमेज या कोई भी रिकॉर्डिंग हो या हो तो वो अपलोड इजीली नहीं हो रहा होता वहाँ पे. ठीक है, तो भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है. इसलिए ड्राइव लिंक के ऊपर भी मैंने आपका सब कुछ जो है वो किया हुआ है, तो वहां से देख लिया. जी महमूद, आप मुझे मेल कर दें. ओके मैम. अच्छा बच्चों, एक लास्ट थिंग जो मैंने आप सबसे कहनी थी कि अगर आप क्लास जो है वो 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अटेंड करते हैं तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होती. ठीक है, आप जब हम मैं जूम से आपका जो है वो डाटा ले रही होती हूँ कि किस स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की है, तो अगर आपने 30 मिनट की मिनिमम क्लास अटेंड की है तो आपकी अटेंडेंस लगती है. ठीक है, वो शो कर देता है कि इस स्टूडेंट ने 10 मिनट के लिए ज्वाइन किया था, इसने 15 के लिए, इसने इतने मिनट के लिए, तो 10-15-20 मिनट्स वाले बच्चे की अटेंडेंस नहीं लगती. ठीक है, इसलिए आप सब थ्रू आउट द क्लास जो है वो प्रेजेंट रहा करें ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाए. ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा लास्ट बात यह है कि आपको मैंने कहा था, मेल भी की थी, कि आपने एक सिंगल फाइल के अंदर असाइनमेंट को सबमिट करना है. ठीक है,
एक पेज के ऊपर पेस्ट करके एक सिंगल फाइल में करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे डिफरेंट इमेजेस अलग अलग से जो है ना वो सबमिट कर रहे थे, तो ऐसे आपने सबमिट नहीं करना, इस तरह से ग्रेडिंग में मसला होगा, ठीक है। तो आपने एक सिंगल फाइल बना ले, पीडीएफ फाइल हो या जो भी फाइल हो, उस एक सिंगल फाइल को आपने जो है मुझे सेंड करना है, अलग अलग से इमेजेस सेंड नहीं करने, ठीक है। आई थिंक आप में से किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर क्लास एंड करते हैं। एंड लास्टली बच्चों, आप वैक्सीनेशन जो है वो सब बच्चे लगवा दें। कुछ स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वी ऑल आर वैक्सीनेटेड, सो आप भी लगवा लें ताकि आपको भी जो है वो इन फ्यूचर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना, ठीक है जी बच्चों। तो फिर हम क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम MRI जो है वो डिस्कस करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।